स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोग के सामने दाल मखनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है ब्लैक उड़द राजमा, जिसे मैंने 6 घंटे सोक करके और फिर मैंने उसे बॉईल करा है। इसे 80% कुक करना है, बाकी का वो ग्रेवी में कुक हो जाएगी। टमाटर प्यूरी, प्याज, अदरक लहसुन के पेस्ट मैंने बना के रखा है और एक बॉल में मैंने तेज पत्ता, लौंग, इलायची, जीरा और काली मिर्च डाला है। अब मैं इसके लिए एक बड़ी कढ़ाई लूँगी, जिसमें 2 फुल स्पून घी लूँगी। ये मैंने घी ले लिया है और इसे गर्म कर दिया है। अब इसके अंदर मैं तेज पत्ता, जीरा, काली मिर्च, लौंग जो मैंने रखा था वो मैं इसके अंदर डालूँगी। 2 चिल्ली मैंने ली है, थोड़ा सा हींग लिया है और इसमें मैं प्याज कटे हुए डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करके लाइट ब्राउन होने तक इसकी सिकाई करूँगी। प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है ताकि प्याज का कच्चापन चला जाए और इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बने। जब ये ब्राउन हो जाएगा तब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ऐड करूँगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है। अब हल्दी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसके अंदर मैं नमक डालूँगी। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है और इसे अच्छे से फिर वापस मिक्स करूँगी। फिर इसके अंदर मैं टमाटर प्यूरी डालूँगी। ये मैंने टमाटर प्यूरी डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके टमाटर की अच्छी सी सिकाई करने के बाद इसमें रेड चिली पाउडर डालूँगी और उसके बाद मैंने मलाई इसमें डाला है और थोड़ा सा दही भी डालना है। दही थोड़ी ही डालनी है और इसे अच्छे से पकाना। अब ये हमारी ग्रेवी पक चुकी है। अब इसमें बॉईल करा हुआ उड़द और राजमा इसके अंदर मैं डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब ये हमारे अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालनी है, उससे धीरे धीरे सिम आँच पे उसे 15 से 20 मिनट तक दाल मखनी को पकाना होता है, जिससे हमारी दाल बहुत अच्छी बनती है। आप देख सकते हो मैंने पानी काफ़ी क्वांटिटी में इसमें ऐड करा है। दाल बनने के बाद दाल काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। आप देख सकते हो हमारी दाल मैंने थोड़ा पतला ही रखा है। अभी से ये 15 मिनट धीरे धीरे ये ग्रेवी के अंदर पकेगी, जिससे सारे मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसके अंदर इलायची, काली मिर्च और लौंग का पाउडर थोड़ा सा डालूँगी। पाउडर थोड़ा ही डालना है। अब ये हमारी दाल मखनी बनके रेडी हो गई है। अब इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। आप देख सकते हो दाल मखनी कितनी अच्छी बनी है।